नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, बिजनेस आइडियाज़ तो आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, बट मैं आपके लिए आज ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो एकदम साफ सुथरा है और आप इसको अपने घर से 10x20 के कमरे से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और का जितना आपका बजट हो उतने इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। आप आसानी से कहीं भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसको ना ज़्यादा आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत है। आप घर की लाइट से भी शुरुआत करके आसानी से महीने के 80,000 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्या ये बिजनेस है, क्या इसके मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे इसमें आप रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और कैसे इसमें आप सेलिंग करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, आज हम आपको नया बिजनेस आइडिया बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते आप एजुकेशन लाइन से जुड़ा कोई भी बिजनेस शुरू कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा उसका ग्रोथ मिलेगा। तो इंडिया में अगर आप एजुकेशनल लाइन से जुड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है और आपकी सेलिंग भी अच्छी खासी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में जानेंगे वो है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, कॉपी किताब बनाने का बिजनेस, जिसे आप अपने गाँव, अपने देहात, अपने कस्बे, अपने शहर से शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हो। जितनी आपकी सेल होगी उतना ही आपका मार्जिन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और क्या इसमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक नोटबुक है जो डबल साइज में तैयार की गई है। एक है ऊपर साइज में, एक है नीचे साइज में, जिसका हमारा साइज है A4 रजिस्टर। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ A4 नोटबुक। इसमें हम अभी जो सैंपल पड़ा है ये A4 साइज का नोटबुक का है। इसमें हम छोटी कॉपी, बड़ी कॉपी, सभी नोटबुक इन्हीं मशीनों में जो आपको हम बताएंगे इसमें बना सकते हैं। तो जो वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें हम आपको मैनुअल मॉडल, जो हमारे पास मॉडल नंबर 2 अवेलेबल है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि इसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो दोस्तों, नोटबुक बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक फ्रंट कवर चाहिए होता है, जिसमें हमारा कंपनी का नाम, कंपनी की सारी डिटेल वगैरह प्रिंट की गई होती है। और उसके बाद हमें चाहिए होता है अंदर वाला पेपर। ये आप देख सकते हो अंदर वाला जो पेज है जिसके ऊपर हम लिखते हैं। तो ये दो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं नोटबुक बनाने के लिए। और ये दो रॉ मटेरियल्स खरीदने के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तैयार किया जाता है। तो इसका मैं आपको कॉस्टिंग का अंदाज़ा बता दूं। पेपर का जो रेट है ये सारा GSM के हिसाब से आता है। जैसे कि क्वालिटी आप लेते हो वैसे का पेपर का रेट आएगा। तो ये जो पेपर की कॉस्टिंग है तकरीबन 60 रुपये से लेकर 90 रुपये, 100 रुपये तक जाता है। पेपर की क्वालिटी के हिसाब से सारे अलग अलग रेट होते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रंट पेज की, फ्रंट पेज में हमारे पास आता है टाइटल, जिसमें हमारा ये फ्रंट पे 4 कलर प्रिंटिंग हुई होती है और उसके ऊपर लैमिनेशन हुआ होता है। और अंदर वाली साइड हमारा 1 कलर 2 कलर में प्रिंटिंग हुआ होता है। बाकी इसमें आप ऊपर नीचे भी करवाना चाहो, बाहर का आपका 2 कलर में चाहिए, सिंगल कलर में चाहिए, वो भी चीज़ें सारी आपको अवेलेबल है। आप जैसे कि कस्टमाइजेशन बताओगे वैसे क्या हमारा काम हो जाएगा। तो इसकी मैं टाइटल की कॉस्ट बताऊँ, ये जो भी कॉपी पे हमारा लगा हुआ है ये तकरीबन आपको 3.20 रुपये के आसपास एक कॉपी का टाइटल पड़ता है। और ये डबल कॉपी है तो मान लो आपका 6 रुपये और 40 पैसे हो जाएंगे। तो ये हमारा रॉ मटेरियल्स। अभी रॉ मटेरियल्स को हम देखते हैं कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसके लिए हमारे 3 मशीनों की सेटअप का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हमारा होगा नोटबुक स्टिचिंग मशीन, देन हमारा आएगा नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन, देन हमारा आएगा पेपर कटिंग मशीन मैनुअल। आज हम बात करेंगे मॉडल नंबर 2 के बारे में जो हमारा अवेलेबल है। आप कभी भी डिटेल्स लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे है उन पे कॉल करके हमसे डिटेल और इसके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। प्राइस जो है अप डाउन हो सकते हैं, तो उसका आपको मैं एक एस्टिमेट बता दूंगा कि इसके आसपास रहेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। सबसे पहले तो हमने ये पेपर जो अंदर लगा हुआ है और बाहर वाला टाइटल, इन दोनों को आपस में रख के सबसे पहले पिन कर देना है। ये जो देख रहे हो आप बाहर पिन लगा हुआ है सारा, इसको सबसे पहले काम होता है पिनिंग का। पिनिंग के बाद कॉपी फोल्ड होती है, फोल्ड होने के बाद इसको काम होता है स्क्वेयरिंग का। ये जो आप देख रहे हो आगे से स्क्वेयर हुआ हुआ है, ये स्क्वेयरिंग का काम होता है दूसरे नंबर वाली मशीन, नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन में। तो स्क्वेयरिंग के बाद हमारा काम आता है पेपर कटिंग मशीन का। पेपर कटिंग मशीन में हमने नोटबुक ऐसे रखे, जो हमारा ये वेस्ट आया हुआ थोड़ा बहुत,
इसको हमने रख के काट के यहाँ से फिनिशिंग दे देनी है, इस साइड से जो थोड़ा सा बाहर निकला इससे उसे फिनिशिंग दे देनी है, देन उसके बाद इस साइड से रख के इस यहाँ से थोड़ी सी फिनिशिंग दे देनी है। तो उसके बाद सेंटर में हम एक कट करेंगे तो हमारे दो नोटबुक तैयार हो जाएंगे A4 साइज के। अभी इसमें हम छोटे साइज का नोटबुक बनाते हैं तो वो भी तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए भी हमारा सेम प्रोसीजर होगा। अभी उसमें क्या होता है, कई बार हमारी चार कॉपी का टाइटल मिल जाता है इकट्ठा, जैसे ये तो दो का सेट है तो दो का बनाना तो ईजी रहा हमें। अभी मान लो हमें चार कॉपी का टाइटल मिल गया, टाइटल पेज जो कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे ये मेरे पास शीट पड़ी है, अब ये छोटी कॉपी है और इसका चार कॉपी का सेट है, एक दो इधर तीन और नीचे चार, ये चार कॉपी का सेट है। चार कॉपी का सेट अगर आ जाता है बाई चांस आपको रॉ मटेरियल में, तो उसको सबसे पहले हमने बीच में से काटना है, जैसे हाफ करके वो हमारा काम आता है पेपर कटिंग मशीन में, इसको सबसे पहले हमने हाफ में से काट के उसके बाद हमारा दो का सेट तैयार हो जाता है। वैसे ही सेम हमारा टाइटल भी कई बार चार में आ सकता है, उसको भी हमने कन्वर्ट कर में दो में कन्वर्ट कर देना है काट के सर, जैसे ये दो का सेट तैयार किया हुआ, मानो हमने दो में कन्वर्ट कर लिया, देन सेम प्रोसीजर इसका भी होगा। ऊपर टाइटल रखना है, जितने पेजेस की नोटबुक बनानी है, पेन लगाना है, उसको फोल्ड करना है, स्क्वेयर करना है, कटिंग करना है, और आपकी छोटी साइज की कॉपी भी तैयार। जो भी साइज हो छोटा बड़ा सभी आपका इन्हीं मशीनों में तैयार होगा। ये मशीन आपकी स्टैंडर्ड रहेंगी, ये मशीनें आपकी यूनिवर्सल रहेंगी, इसके अलावा और कोई मशीन नहीं लगेगी। अगर आप स्पायरल की नोटबुक तैयार करना चाहते हो जो रिंग वाली होती है, उसके लिए अलग से मशीन लगेगी, बाकी कटिंग आपकी इसी में ही हो जाएगी। तो ये था हमारा छोटी कॉपी का सेट। अभी बड़ी कॉपी का मैंने पहले बता दिया, ये दो साइज है स्टैंडर्ड, इसमें थोड़े बहुत अप डाउन करके आप कोई भी साइज का नोटबुक बनाना चाहो तो मशीनें आपकी सेम लगेगी, ये स्टैंडर्ड साइज की मशीन होती हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होती। जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये है यूनिवर्सल मशीन, इसमें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कॉपी आप प्रोडक्शन में निकाल सकते हो। ये हम आपको मैनुअल मशीन जो कई आपको देंगे सस्ती मशीनें ले लो हमसे, तो उसमें आपका एक एक कॉपी बनाओगे तो वो कभी प्रोडक्शन में नहीं बनेगी, वो उल्टी आपको महंगी पड़ती है। तो हम आपको वो बताएंगे जो काम, जिससे काम होता है, जो काम आपका चलेगा, ये नहीं कि आपने मशीन ले लिया उसके बाद काम चलेगा नहीं, एक कॉपी बना रहे हो आपको महंगी पड़ रही है, वो काम नहीं। काम वो करो, मशीन वो लगाओ जिससे प्रोडक्शन निकले, आपको मार्जिन आए, आपकी लेबर कम पड़े, ये चीज़ें इसमें सारी देखनी पड़ती है। तो हम उसी हिसाब से हमने सारे मॉडल तैयार किए हैं कि कम से कम बजट में भी अगर आप करना चाहते हो तो मिनिमम कितने तक से आप शुरुआत कर सकते हो। हमारे पास 2 लाख से लेके 20 लाख तक की मशीनें हैं नोटबुक बनाने के लिए सिर्फ। अगर आपके पास एक आदमी का ऑप्शन है, अगर आपके पास 4 आदमी का ऑप्शन है, तो उसी हिसाब से हमारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो ये तो हमने जाना सारा मशीनों के बारे में, आज हम मॉडल 2 के बारे में जैसे बताया आपको, नोटबुक स्टिचिंग मशीन, नोटबुक एज स्क्वेयरिंग मशीन और पेपर कटिंग मशीन 36 इंचेस पे, इनके वीडियो आप आगे भी देख सकते हो जिसमें हम मैंने सारा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे आपका अभी नोटबुक बनता है और कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसके बाद एक आता है श्रिंक पैकिंग मशीन। आप देखते हो कि कभी नोटबुक को 5-5 का सेट बना के उसको ऊपर पॉलीथीन का रैप किया होता है, वो आप पैकिंग करना हो तो उसके लिए अलग से श्रिंक रैपिंग मशीन आता है, वो भी आप लेके तो नोटबुक को पैक करके उसका स्टॉकेज कर सकते हो जिससे कभी भी नोटबुक में मॉइस्चर नहीं आता। तो ये भी था आपकी ऑप्शनल मशीन, ये आपकी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल में लेके इसको भी आप काम शुरू कर सकते हो। तो ये 3 मशीनें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, ये तो आपकी लेनी मस्ट है, इसके बिना आपका नोटबुक नहीं बन सकता। आजकल जिस भी तरह का नोटबुक चल रहा है स्क्वेयरिंग वाला हर तरह का, इसके लिए ये 3 मशीनें आपकी लेनी ज़रूरी है। तो ये मैंने अभी बताया सर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, तो इसका जो वीडियो है आप देख सकते हो।
तो दोस्तों, जैसे आपने वीडियोस में देखा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कैसे मशीन्स वर्क करती हैं और कितनी लेबर चाहिए आपको मशीनों के ऊपर, तो ये था बेसिक सा प्रोसेस। और इस मॉडल की जो आपकी कॉस्टिंग आएगी, ये तकरीबन 4.5 से लेकर 5 लाख के बीच आपका सेट पड़ेगा, जिसको आप कभी भी हमारे पास आके विजिट करके देख सकते हो। अगर ऑर्डर करना चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। तो उसके बाद भी हमारा आदमी आएगा मशीन इंस्टॉल करके, आपको ट्रेनिंग सारा दे के आएगा। अगर आपने ट्रेनिंग लेना है, हमारे पास इधर भी आके मशीन एक बार ट्रायल कर सकते हो, कैसे काम होता है आप सीख सकते हो। तो ये सारा मशीनों का काम, कैसे मशीन काम करती है, ये सारा आपने वीडियो में देख लिया। प्रैक्टिकल देखना हो तो जब मर्जी आप आके विजिट कर सकते हो, स्क्रीन पे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उनके कॉल करके हमारी लोकेशन पे जब मर्जी आके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, कैसे मशीन बनता है और कैसे नोटबुक भी बनता है, ये भी हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो जब मर्जी आप हमारे पास विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नोटबुक की सेलिंग के बारे में, कहाँ पे हमने नोटबुक सेल करना है और क्या हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो सेलिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बताता हूँ। सेलिंग में हमारे पास एक आता है हमारा होलसेल मार्केट और एक आता है हमारा स्कूल का मार्केट, स्कूल कॉलेजेस का मार्केट। स्कूल के मार्केट में जो भी हमारी नोटबुक है, ये सारा हमारा ऊपर से वो जो भी स्कूल है वो अपने नाम से प्रिंट करवाएगा। जैसे ये तो हमारा जो अभी नाम वगैरह छपा हुआ है, ये हमारे कस्टमर्स ने ही अपने छपवाए हैं, जो होलसेल मार्केट में सेल करते हैं, जहाँ पे उनका नाम चलेगा। तो ये अगर स्कूल को करते हो तो स्कूलों ने अपना अपना टाइटल जो है वो सारा प्रिंट करवाना है। तो प्रिंटिंग के लिए अगर आपको ऑप्शन चाहिए हो, प्रिंटिंग का मशीन चाहिए हो, वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो वो भी आप हमसे जब भी डिटेल लेना हो तो फ़ोन पे ले सकते हो। देन उसका अगर आप प्रिंटिंग का नहीं लेते तो उसके बिना भी आपका काम चल जाता है, प्रिंटिंग आप मार्केट से भी करवा सकते हो। तो सेकंड मैंने ऑप्शन आपको बता दूं कि वो होता है होलसेल में, जितने भी आपकी दुकान से आया होलसेल मार्केट है वहाँ पे जाकर नोटबुक बेचो, वहाँ पे भी आपका मार्जिन मिल जाता है। तो ये तो मेन मार्केट है जहाँ पे आप नोटबुक सेल करते हो, तो आपकी कभी भी डिमांड कम नहीं होती, आपकी हमेशा सेल होती रहती है। तो ये आपका सारे साल चलने वाला सीजन है, सारे साल चलने वाला काम है। तो अभी हम मार्जिन की बात कर लें, जो हमारी बड़ी कॉपी है A4 साइज की, इसमें हमें मिनिमम भी 6 से 7 रुपए का मार्जिन आसानी से मिल जाता है, चाहे आप होलसेल मार्केट देख लो या चाहे आप स्कूलों की मार्केट देख लो। और वहीं आपका जो है रिटेल का मार्केट, जो भी आपका छोटी कॉपी का है, जो हमारी 18-24 में, इसमें मिनिमम भी 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट आपको सभी जगह मिल जाता है। आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव मार्केट हो, इतना मार्जिन आपको सभी जगह मिलता है। बाकी जितनी आप प्रोडक्शन निकाल लो, जितनी सेल कर लो, उतना पर डे का प्रॉफिट आपका बढ़ता जाता है। तो ये हमने बात की सारी है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसकी मशीनरी रिक्वायर्ड होता है, कैसे इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करके कैसे इसको कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, घर से लगा के शुरू कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं कि अगर इसमें आप कहें कि लाइसेंस वगैरह चाहिए हो, तो इसमें ये आता है घरेलू उद्योग के अंदर, इसमें आपको कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेना चाहें तो GST नंबर ले सकते हैं और एक उद्यम आधार जो होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और कुछ इसमें अलग से पोल्यूशन NOC वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना इसका नॉइस पोल्यूशन है और ना इसका एयर पोल्यूशन है। तो इसको आप आसानी से कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था आज के बिजनेस के बारे में। ऐसे के और बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके पास आते रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करना कभी ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।